Hey guys, I am Vishal. Welcome to College Option. और आज मैं ना इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग काफी दिनों से मुझसे पूछे जा रहे हैं कि भैया ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, भैया इस कॉलेज का क्या हम रैंक दें। तो यार मैं आपको एक पूरा पैरामीटर बता देता हूँ, जो कि आप अपने आप से एक पर्सनलाइज रैंकिंग दे सके आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो बिना देरी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले 125 लाइक्स का टारगेट है 1000 व्यूज में, तो जल्दी से लाइक कर दो। और साथ ही साथ एक और चीज, अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो चल रही थी ना, तो उसका फिनाले है 25 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसको जाके जल्दी से एनरोल करना, वैसे भी फ्री है, ठीक है। वहां पे अपना जाके एग्जाम दो और बहुत सारी स्कॉलरशिप लो। और साथ ही साथ एक और चीज, वहां पे अपना जो क्लास 11th का ना अमर्ज बैच भी चालू हो रहा है 26 अक्टूबर से, और जो ड्रॉप कर रहे हैं उनका 30 अक्टूबर से चालू हो जाएगा ड्रॉपर्स बैच का, तो वो भी अपना देख सकते हैं। एंड क्लास 12th बैच भी आपका 26 अक्टूबर से ही वापस से चालू हो रहा है अनअकैडमी के ऊपर, तो आप जाके उसको कर लीजिएगा। अब बिना देरी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि भैया अब कैसे हम लोग पता करें कि हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। तो सबसे पहला यार कि वो किस टायर का कॉलेज, यानी किस टाइप का कॉलेज है, मतलब टायर 1 में आता है, टायर 2 में आता है, टायर 3 में आता है। टायर 1 या एक तो होता है सुपर टायर, भी कई लोग उसको अलग से डिफाइन करते हैं, लेकिन हम सीधा टायर 1 पे चलते हैं, दैट इज योर IITs, NITs, RIITs, ठीक है। टायर 2 कौन से, VIT वगैरह जो है ये टायर 2 में है। टायर 1 में आपका DTU और NITs, RIITs सारे के सारे टायर 1 में आते हैं, IITs सारे आते हैं, उसको सुपर टायर में भी आ जाता है, ठीक। दूसरा ये है कि उसकी फैकल्टी कैसी, फैकल्टी मतलब या क्या, अरे यार पढ़ने जा रहे हो कॉलेज के अंदर, तो देखो ठीक है, कैफे लोग भाई पढ़ाई कहाँ होती है कॉलेज के अंदर, ठीक है नहीं होती है, लेकिन यार फैकल्टी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर फैकल्टी PhD होल्डर्स है, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस से पास आउट है, या अच्छे इंडस्ट्रीज से वो आए हुए हैं, यानी ऊपर ऊपर की रैंक, यानी अच्छे पोस्ट पर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने एजुकेशन लाइन को ज्वाइन किया, बिकॉज एजुकेशन लाइन इतना हाईटेक वाला लाइन नहीं है, डैट्स वाय उन्होंने उसके बाद ज्वाइन किया है, तो उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा है ना लिंक होते हैं कि बच्चे को कंपनीज भी बुला सके, और साथ ही साथ अगर एक अच्छा प्रोफेसर होगा तो वो रिसर्च में काफ़ी हेल्प कर सकता है, एक अच्छा करिकुलम बना सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है, इसलिए फैकल्टी बहुत मायने रखती है। तो इस चीज़ को देखना है कि फैकल्टी कैसी है। जैसे RIIT दिल्ली की फैकल्टी बहुत अच्छी है अगर आप देखेंगे तो। फिर प्लेसमेंट आपको बहुत चीज, भैया प्लेसमेंट, भैया हाईएस्ट पैकेज 70 लाख, भैया हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़, मुझे मिला। आप ज़्यादा बच्चे जो भी होते हैं ना, मुझसे सबसे पहले ये पूछते हैं भैया उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है। तेरा सबसे पहली चीज़ ये है कि हाईएस्ट पैकेज में ना मुश्किल से 1% बच्चे रहते हैं, या कई कॉलेजेस के अंदर तो सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज मत देखा करो, उस कॉलेज का देखना है तो एवरेज पैकेज देखो और मीडियम पैकेज, मैं तो हमेशा कहता हूँ मीडियम पैकेज देखो, एवरेज पैकेज तो भी कई जगह का ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखोगे कि कुछ IITs का एवरेज पैकेज CSC का 25 लाख है, क्योंकि वहाँ पर सीटी कम है यार, एक का हाईएस्ट पैकेज लग गया 1 करोड़ का, बाकियों का 10 लाख 12 लाख 15 लाख का लग रहा है, तो सम अप करके 25 लाख निकल जाता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है तुम्हारा एवरेज पैकेज। लेकिन जब आप किसी और कॉलेज को, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज को देख रहे हो, सेमी गवर्नमेंट को, चाहे प्राइवेट कॉलेज को, तो उसका एवरेज पैकेज जरूर देखो कि उसका एवरेज क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसी के आसपास लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आप यानी पढ़ाई में ना ज़्यादा इतने ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, अब सबको ये लगता है कि मैं स्कूल के अंदर टॉप मारता था तो वहाँ पे भी टॉप मारूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरा है ना चीज़ चेंज हो जाती है कॉलेज के अंदर आने के बाद, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें चेंजेस आती हैं, तो आपको ये देखना है कि एक्चुअल में आपको वो इंटरेस्ट है या नहीं है, और प्लेसमेंट में देखना भी होता है ना, तो एवरेज पैकेज को देखो, साथ साथ एक प्लेसमेंट परसेंटेज भी होता है। प्लेसमेंट परसेंटेज क्या होता है, मतलब कि ये होता है कि जैसे कई GFTI है, कई GFTI का एवरेज पैकेज 4 का है, ठीक है, लेकिन वहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज रेशियो जाओगे ना देखने तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 60% या 70% बच्चे ही प्लेस हो रहे हैं। अच्छा, 60-70% बच्चों को ऐसा लगता है कि इसके अंदर ना सब 70% बच्चों ने ही, जो 100 बच्चे एडमिशन लिए 70 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ, ऐसा नहीं है। 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है, अब मान लो 80 बच्चे ही एलिजिबल हुए, ओके 80 बच्चे ही एलिजिबल हुए तुम्हारे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, क्योंकि CGPA मैटर भी करता है, काफ़ी कुछ होते हैं चीज़ें, तो उन 80 बच्चों में 70% बच्चों का प्लेसमेंट, यानी 56 स्टूडेंट्स का, ठीक है, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ये होता है और ये हर एक कॉलेज के अंदर होता है। और एक और चीज़, जब कॉलेज को सर्च करो तो उसका ये देखना है कि उसका ज़्यादातर प्लेसमेंट कौन से उसमें हो रहा है, स्टार्टअप्स में हो रहा है, या एजुकेशन सेक्टर में हो रहा है, सेल्स सेक्टर में हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है, किस में हो रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो रहा है, किस में हो रहा है, वो आपको उसके क्या कहते हैं साइट पे मिल जाएगी, प्लेसमेंट परसेंटेज रेशियो क्या है। उसके बाद आपका आता है डेट इज़ ROI, डेट इज़ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब फीस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाया किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और उसका अगर एवरेज पैकेज 3.5-4 का है तो ठीक है, इट्स डिसेंट कि आप 2-2.5 साल के अंदर अपना पैसा निकाल लोगे उस कॉलेज से जॉब पाने के बाद,
ठीक है, लेकिन मान लो आप किसी कॉलेज के अंदर 20 लाख 25 लाख लगा रहे हो, जैसे VIT में कैटेगरी 5th पे लग जाता है, 30-30 लाख रुपए लग जाता है, हॉस्टल का भी फीस इंक्लूड कर दूं मैं, मतलब 25 ही लगता है, तो अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 25 लाख, और उसका एवरेज पैकेज है 7-8 लाख, तो बहुत ज़्यादा गैप है इस चीज़ को लेकर। अगर कैटेगरी फर्स्ट सेकंड वालों के लिए तो ठीक है, उसका एवरेज पैकेज के हिसाब से वो सही है, लेकिन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले ना, मुझे कोई इतना खास लगता नहीं है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए VIT के अंदर। और कुछ बच्चे रैंकिंग को बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। यार सबसे पहले तो मैं NF रैंकिंग को ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ। उसकी एक रीज़न है कि यार जब आप VIT जैसे कॉलेज को ऊपर डाल देते हो 15th रैंक पे, और आपके IIIT इलाहाबाद जो उससे अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, जो कई सारी IITs आप उसको नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, पता नहीं 50th रैंक, 60th रैंक, 70th रैंक पे, तो क्योंकि VIT उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली NF रैंकिंग किस तरीके से दी जाती है कि भाई उसका दिखने में कैंपस कितना बड़ा है, कितने फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ 10% का वेटेज दे रखा है, वो भी प्रॉपर प्लेसमेंट का परसेंटेज का वेटेज नहीं है, 10% पूरा टोटल परसेंटेज नहीं है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड कर रखी है उन्होंने, तो वो इतना प्लेसमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा ध्यान नहीं देती NIF रैंकिंग के अंदर, तो उस पर इतना विश्वास मत किया करो। जब ग्राफिक एरा जैसे यूनिवर्सिटीज़ इन टायर थर्ड कॉलेजेस आ रखे अंडर 100 रैंक, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो ऐसे रैंकिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा फर्क करता है। अब वैसे मान लीजिए अगर ज़्यादातर स्टूडेंट अभी CSIT कर रहे हैं, क्योंकि इस समय CSIT के अंदर जॉब है, एक टाइम पे है ना 7-8 साल पहले लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इवन मैकेनिकल के पीछे काफ़ी लोग भाग रहे थे, लेकिन उसमें सैचुरेशन पॉइंट आया, एक टाइम पर सिविल के पीछे भाग रहे थे, तो अभी कंप्यूटर्स का है, लेकिन आने वाले मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 साल के अंदर इसका भी सैचुरेशन पॉइंट आएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में तो यही है ना कि भाई एक बार कोई चीज़ के पीछे पढ़ना है तो पढ़ना है और उसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट लेके आना है, तो सैचुरेशन पॉइंट इसका भी आएगा एक टाइम पर आने वाला 7-8 साल के अंदर। और लोकेशन काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लीजिए अगर आप नोएडा साइड के कॉलेजेस को देखोगे, गुड़गांव के साइड के देखोगे, तो यहाँ पे CSIT का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो CSIT कंपनीज के अंदर आपको जाना ज़्यादा सही रहेगा, CSIT EC ब्रांचेस ज़्यादा सही रहेंगे। अगर आप मैकेनिकल वगैरह के लिए देख रहे हैं तो पुणे वगैरह साइड जाइए, विजयवाड़ा साइड जाइए, यानी जो अपना चेन्नई वगैरह साइड है वहाँ पे आपका मैकेनिकल पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो यानी लोकेशंस काफ़ी फ़र्क देते हैं कि आसपास की इंडस्ट्रीज कैसी है। एक और चीज़ कि उसकी कनेक्टिविटी कैसी है उस कॉलेज की, ये नहीं कि जैसे कई सारे पंजाब में कॉलेजेस है ना, खेत पे खेत खरीद लेते हैं, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगें बनाए जा रहे, चंडीगढ़ जैसे कॉलेजेस जो हैं हद से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, ठीक है, अच्छा कॉलेजेस में भी अब उन्होंने अपना दिखा रखा है, दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक CGC ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बना रखी है, तो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो आप अगर उसको पूरा प्रॉपर देखेंगे तो आप उसको पहले ये एनालाइज करें कि एक्चुअल में कॉलेज कब बना, ठीक है, इसके अलमनाई नेटवर्क क्या है, फिर आपको देखना चाहिए उसका अलमनाई नेटवर्क क्या है। इस्टेब्लिशमेंट बहुत फर्क रखता है, क्योंकि किसी भी कॉलेज का, अच्छा पहले तो सॉरी ये जो आसपास जो नॉइज़ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उस समय सुबह टाइप शूट हो रहा है, तो डैट्स व्हाई तो हम इस्टेब्लिशमेंट पे थे, ठीक है, तो इस्टेब्लिश कब हो रहा है इस पर बहुत डिपेंड करता है। मान लो जो NITs, IIITs, IITs 50-60 साल पहले, IIITs को हटा दो भी, NITs वगैरह ये जो 50-60 साल पहले जो कॉलेजेस इस्टेब्लिश में है, उसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, ठीक है, यानी उससे जो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने कई कंपनीज भी कई लोगों ने खोली होगी अपनी खुद की, या कई लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे होंगे अब तक, ठीक है, तो वो लोग है ना अपने ही कॉलेज के अंदर कंपनीज लेके आते हैं। DTU के अंदर इतनी कंपनीज शायद उसके एलुमनाई नेटवर्क के कारण बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि एक तो एलुमनाई नेटवर्क इतना बड़ा है DTU का, एंड 400+ कंपनीज विजिट करती है, गवर्नमेंट कॉलेज है DTU आपका। एंड फिर हम बात करते हैं फाउंडेशन की, बात होगी इस्टेब्लिशमेंट की भी होगी, अलमनाई की भी होगी। आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अलमनाई नेटवर्क की बात करेंगे तो मैं मणिपाल का बड़ा अच्छा मानता हूँ, यार मणिपाल का अलमनाई नेटवर्क बहुत, जैसे कहते हैं ना फाड़ू लेवल, दैट इज लाइक, फिर RVC का अलमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, तो आप इन सब कॉलेजेस को देख सकते हो। और हाँ, इस्टेब्लिशमेंट देख लेना कि चलो 2000 में जो खुला है, 2002 में खुला है, दैट्स ठीक है यार, 15-18-20 साल हो गया, तो कॉलेज एक इस्टेब्लिश हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन ये 2010 में, 2015 में, 2016 में जो कॉलेजेस खुल रहे हैं, ठीक है, जैसे BNET यूनिवर्सिटी 2016 में खुला, तो 4 साल में पहला बैच अभी निकला, बेशक उसका एवरेज पैकेज उन्होंने 7.5 का दिखाया, 7 का दिखाया, लेकिन वो प्लेसमेंट परसेंटेज रेशियो पे जाओगे ना तो कितना है, 75 है या 80% है, कुछ ऐसे 80% का उन्होंने दिखाया रखा है, तो ऊपर से ये उसका है जो बच्चे एडमिशन लिए उसका नहीं है, जो बच्चे एलिजिबल हुए आपके उसके लिए, क्या कहते हैं, प्लेसमेंट में बैठने के लिए उनका रेशियो है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फीस वहाँ पे तो आप जान ही रहे हैं, 3.5-4 लाख रुपए लग रही है सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल लीजिएगा तो 5 लाख के आसपास पड़ जाएगा एक साल का। फिर हम बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च यार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो कई लोग पता है क्या करते हैं, ICT को ज़्यादा, ICT मुंबई जो है अपना,
उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं कुछ आईआईटी के ऊपर, क्योंकि उसका केमिकल टेक्नोलॉजी जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी अच्छी है आईसीटी की। तो रिसर्च फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करने वाली है कॉलेज, क्योंकि पैसा ना रिसर्च में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसी कॉलेज में, इक्विपमेंट चाहिए भाई। और ये भी किया ना कोई कॉलेज, बेशक ये नहीं कि ट्रिपल आईटी है तो चलो ठीक है चले जाते हैं। वैसे मान लीजिए अभी जैसे कुछ कॉलेजेस जैसे अभी नए नए ब्रांचेस खुल रहे हैं उनके अंदर, जैसे कुछ न्यू ब्रांचेस अगर ओपन हो रहे हैं तो पहले तो उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने में टाइम लग जाएगा। कंप्यूटर्स का तो ठीक है यार, कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल है किसी में नए खुल रहे हैं तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत लगता है। तो 3-4 साल तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने में लग जाएगा कॉलेज को, फिर टीचर्स उस क्वालिटी का लाना, फिर उस तरीके से कंपनी से डील करना, ठीक है। तो वैराइटीज़ में थोड़ी सी कमी रहती है, तो इस चीज़ को भी आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा कॉलेज को सिलेक्ट करते समय। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात कर ही लेते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट फैसिलिटी यार कॉलेज लाइफ होनी चाहिए ना, कैंपस साइज भी होना चाहिए थोड़ा सा अच्छा, ये नहीं कि ठीक है 2 एकड़ के अंदर बन के खत्म तो कॉलेज लाइफ नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट से मतलब है, और क्या कहते हैं आपसे सबको प्लेसमेंट से मतलब होता है, और आपकी जेईई मेंस में रैंक अच्छी नहीं है, या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ देख सकते हैं देख रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपको फिर थोड़ा सा कैंपस का इशू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो ज़्यादा बड़े बड़े कैंपस वाले हैं उनके तो फीस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक इशू रहता है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा, लेकिन एवरेज पैकेज वगैरह भी देख के रखना, और लोकेशन क्या है और किस फील्ड में जाना चाहते हो उसके हिसाब से, ओके। ये नहीं कि कोई सा भी उठा लिया हमने, अगर मैकेनिकल में जाना चाहते हो तो पुणे के कॉलेज ज़्यादा बहुत बैटर में आन पाऊँ मैं। इवन मैकेनिकल में आप नोएडा के अंदर भी, नोएडा में भी कुछ कंपनीज हैं मैकेनिकल की, लेकिन इतनी नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा CSIT फॉर्म ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स वगैरह का ज़्यादा है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से था, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है ये भी देख लेना, फेस्ट वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, कॉलेजेस के, और स्पोर्ट्स वगैरह क्या है, कैसे हम कोई टूर्नामेंट पर पार्टिसिपेट करता भी है नहीं करता, इस तरीके से देख लेना कि ओवरऑल यू नो आपका वो डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यार ये मेरे साइड से था, शायद आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या रैंकिंग देना है। ये मैंने रैंकिंग के हिसाब से बताया था कि मैं इसने इस वे में रख रखा है, और आपका अपना पर्सनलाइज रैंकिंग होगी। कुछ लोग प्लेसमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।